Good morning, students. Today I am going to teach you how to learn question answer. जो आपके questions हैं उसके answer आप कैसे learn करोगे. Learn means याद करना. आप सारे बहुत छोटी हो तो जो question answer होते हैं बच्चे बिल्कुल learn नहीं करना चाहते, और जो spelling होती है वो भी आप लोग learn नहीं करना चाहते हो. बट उसको तो करना ही है क्योंकि आपको इंग्लिश अच्छे से सीखना है ना. सो मैम ने आपको टेक्निक बताएंगी कि कैसे आपको क्वेश्चन आंसर राइट करना है एंड कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर को लर्न करना है, याद करना है. आप याद करोगे तभी ना आप क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन कर पाओगे एग्जामिनेशन में, है ना. सो आपके लिए देखिए मैम ने क्लास टू के फर्स्ट स्टोरी लिए हैं. दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब आंसर करिए जो क्वेश्चंस हैं इस सब के. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द माउस इन द गर्ल्स ड्रीम. जो पोएम है उसके अंदर एक गर्ल है, लड़की है, उसमें उसका ड्रीम आया था. ड्रीम मीन्स सपने. वेयर वॉज द माउस, माउस मीन्स जो रैट होती है, बिग रैट, उसको हम लोग माउस बोलते हैं. इन द गर्ल्स ड्रीम, उसके सपने में आया था. सो आप लर्न कैसे करोगे, माउस जो है ये सब्जेक्ट है. सो आप पहले माउस को नोट डाउन करोगे. अभी माउस कहाँ था, वेयर मीन्स कहाँ, तो आपको पता है कि वो चाय के अंदर थी. सो आप क्या करोगे, द माउस पहले आप ले लिए, द माउस आप लिए, थे मीन्स पास्ट टेंस, सो वाज आप राइट करोगे वाज. द माउस वाज देख के आपको समझ आएगा कि जो आपका आंसर है वो पास्ट टेंस में आपको देना है. जो क्वेश्चन में वाज वेयर रहेगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है पास्ट टेंस में है, और आपको आंसर भी पास्ट टेंस में देना पड़ेगा. सो द माउस वाज इन द टी, वेयर की जगह हम लोग यूज़ कर दिए इन द टी. इन द टी एक्चुअल आंसर है. अगर हम लोग नॉर्मली मुंह से पूछेंगे कि माउस कहाँ थे, तो आप क्या आंसर दोगे, इन द टी, चाय के अंदर थी मैम. सो आप जब राइट डाउन करोगे क्वेश्चन आंसर तो आपको एक सेंटेंस मेक करना है जिसका एक कॉन्क्रीट आंसर समझ में आएगा, मीनिंग आएगा. सो द माउस वाज, द माउस आपको क्वेश्चन से मिल गया, वाज भी आपको क्वेश्चन से मिल गया, क्योंकि ये इससे आपको पता चल रहा है कि आप क्वेश्चन जो है पास्ट टेंस में है, आपको पास्ट टेंस में ही देना है. सो द माउस वाज इन द टी, इतना आपको खुद से जानना है, लर्न करना है. इन द टी, इन द टी यही आंसर है. फिर हम लोग इसको कॉम्प्लीट कैसे करेंगे, इन द गर्ल्स ड्रीम, वो भी क्वेश्चन में है. इन द गर्ल्स ड्रीम, बस वेयर जो है क्वेश्चन में ये आंसर में नहीं आया, बाकी सारी चीज आ गए. बस आपको अरेंजमेंट जो है उसको आपको समझना जरूरी है. वेयर मीन्स कहाँ, जब आप सेंटेंस को खुद से राइट करोगे तो आपको खुद से उसको रेडी करना है, रीअरेंज करना है कि कैसे हम लोग हमें देना है आंसर. तो माउस इधर सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट को लिखिए, फिर कौन सा टेंस में है उसको लिखिए, वही वर्ब अप्लाई. सो द माउस वाज, अभी आपको पता है आंसर क्या होगा, उसको लिखिए. जो वेयर मीन्स कहाँ, इन द टी आप नोट डाउन कर. अभी क्वेश्चन का आंसर जो इसको कंप्लीट करना है, एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है. इन द गर्ल्स ड्रीम, द माउस वाज इन द गर्ल्स ड्रीम भी आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, इसको देख के आप इधर पुट कर सकते हो. सो द माउस वाज, ये तीनों ही आपके क्वेश्चन में है. इन द टी, इतना ही आपको खुद से रीड करना है, आपको जानना है. वेयर के रिप्लेस में यही
मेन आंसर है इन द टी इन द गर्ल्स ड्रीम, गर्ल्स के ड्रीम में सपने में थे। सेकेंड क्वेश्चन को आप देखिए हु से जितने सारे क्वेश्चन रहते हैं उसके आंसर बहुत इजी हो जाते हैं। जो जितने सारे क्वेश्चन में है सबको आपको पुट अप करना है, सारे चीज आ जाएंगे, बस हु की जगह जो पर्सन है जो एनिमल है उसका नेम जस्ट हम लोग लिखेंगे। जस्ट हु को हटा देते हैं, उसके जगह में जो परफेक्ट आंसर जो कोई इंसान भी हो सकता है, हु मीन्स कौन, कौन आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, मैम हो सकते हैं, आपके पापा मामी कोई भी पेट हो सकते हैं। स्टोरी में देखिए रैबिट है, सो हु वाज ऑन द किचन टेबल व्हेन द गर्ल वक अप, जब लड़की जग गई थी तो कौन थे किचन टेबल के ऊपर। हु वाज ऑन द किचन टेबल व्हेन द गर्ल वक अप, जब लड़की जग गई थी कौन थी किचन के टेबल के ऊपर। तो बस कौन मीन्स द रैबिट, सो रैबिट को आपको लिखना है द रैबिट। उसके बाद जैसे हु के रिप्लेस में आप रैबिट को लाए, इसके रिप्लेस में आप द रैबिट लाए, उसके बाद सारा जैसे है रैबिट के बाद उतना ही लिखना, वाज ऑन द किचन टेबल व्हेन द गर्ल्स वर्क अप, पूरा ऐसे लिखना है, कुछ नहीं करना है। सबसे इजी होते हैं हु से जो क्वेश्चन आंसर होते हैं आंसर पुट अप करने में, बस हु के रिप्लेस में द रैबिट आ गए, बाकी जैसे तो वाज ऑन द किचन टेबल व्हेन द गर्ल वक अप, ऐसे आपको पूरा ही आपको क्वेश्चन से आंसर में उतार देना है। व्हाट वाज द कलर, पहले वेयर हो गया, हु हो गया, अभी व्हाट, व्हाट वाज द कलर ऑफ द बाबन, बाबन का कलर क्या था आपको पता ही है पर्पल, सो आप पहले ले लिए द बाबन, क्योंकि द बाबन ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको बोलेंगे जिसके लिए हम लोग बात करें उसी को ही हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। जो मेन कैरेक्टर होते हैं जो भी क्वेश्चन आंसर के मेन कैरेक्टर उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। इस सब्जेक्ट में द बाबन इज अ मेन कैरेक्टर, सो दिस इज अ सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट का पैसे पहले लिखना है द सब द बाबन, फिर वाज से क्वेश्चन है सो आपको आंसर भी वाज से ही देना है। पास्ट टेंस होते वाज मीन्स आपको पता चल गया कि पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में है क्वेश्चन, सो द बाबन वाज पर्पल, पर्पल पी यू आर पी एल ई, जब आप प्रोनाउंस करोगे पर्पल को तब आर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं आएगा, पर्पल पर्पल हल्के से टच करके जाना है। जब हम लोग पर्पल का स्पेलिंग याद करें पी यू आर पर पी एल ई पेल पर्पल, ऐसे करके लर्न करोगे तो आपके स्पेलिंग याद हो जाएगा, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए नहीं तो आपका मार्क्स बहुत कम आएगा, है ना। स्पेलिंग के लिए भी हम लोग जैसे आपको 1 2 3 4 4 अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो मैम ने आपके लिए 1 मार्क्स कट कर देंगी, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। सो और एक बार देख लीजिए व्हाट से अगर क्वेश्चन रहेगा सो आपको व्हाट की जगह में हम लोग जो कैरेक्टर मेन है उसको पहले नोट डाउन करेंगे द बाबन, अभी व्हाट वाज द कलर कौन सा कलर था, व्हाट मीन्स कौन सा कलर था पास्ट टेंस में है आपको पता है पर्पल, सो द बाबन वाज पर्पल मीन्स पर्पल कलर के थे, इतने आपको लिखने से आपका आंसर रेडी हो जाएगा। सो मैम ने आपको समझाए कि आपको कैसे लर्न करना है, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं सारे बच्चों को, अभी तो सिलेबस भी जाएगा हाफ ईयरली के लिए, क्या सिलेबस है सारे क्लास 1 एंड 2 के लिए जो आपके मेन कोर्स बुक है उसके 1st से 5th तक चैप्टर आने वाले हैं, 1 2 3 4 एंड 5th चैप्टर आपके मेन कोर्स बुक से सारे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, और जो आपकी ग्रामर बुक है उसमें 1st to 10th
मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 चैप्टर्स ग्रामर के आने वाले हैं, जो क्लास 1 एंड 2 के लिए हैं। वो मेन कोर्स बुक के 1 to 5 चैप्टर और ग्रामर बुक के चैप्टर रहेंगे 1 to 10 चैप्टर। और सारे बच्चों के पास PDF ऑलरेडी जा चुका है। अगर नहीं भी किसी के पास है, आज मैंने आपके लिए पूरा बंच मतलब एक साथ में क्लास 1 एंड 2 के लिए 1 to 5 चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर के पेज हम एक PDF में सेंड करेंगे। आप PDF ओपन करके जो आप अभी तक नोट डाउन नहीं किए हो उसके नोट डाउन करना है आपको, और बहुत अच्छे से रीड करो। रीड कई बार करने से आपके लर्न भी हो जाएगा। लर्न करना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाओगे।